नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राचीन जगत पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओगड़नाथ शिव मंदिर, यानी जो मेरठ के अंदर कालीपलटन क्षेत्र यानी मेरठ छावनी में है। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ बिल्कुल लाइव एकदम यहाँ पर। ये देखिए, ये सड़क है यहाँ पर मेरठ छावनी की। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये देखिए, कुछ दर्शन करा देता हूँ मैं आपको मंदिर के बाहर से। आज यहाँ पर कितनी भीड़ है और किस तरह का यहाँ पर माहौल है, इन्वायरमेंट है, कल्चर है। बहुत ही शांत क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर हरा भरा मौसम रहता है, पेड़ हैं, पौधे हैं, बिल्कुल एकदम गांव जैसा माहौल होता है। तो यहीं पर 1857 की क्रांति का जो ये उद्गम स्थल है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी जो लड़ाई छिड़ी थी, जो विद्रोह हुआ था, वो सबसे पहले इसी क्षेत्र से हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहीं से वो लड़ाई छिड़ी थी, जिस जगह पर ये मंदिर आज यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए, लोगों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, जो भक्त दर्शन के लिए आए हैं, शिव पार्वती यानी महादेव के दर्शन के लिए आए हैं, राधा कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के, राधा के दर्शन करने हैं सभी लोगों को। जय श्री राधे कृष्णा। और यहाँ पर देखिए, सब लोग खड़े हैं इधर उधर, हालांकि पुलिस फोर्स भी बहुत भारी मात्रा में है यहाँ पर, अच्छी बात है। और ये देखिए, ये मंदिर का यहाँ से द्वार है, वो सामने मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये श्री शिव मंदिर है, ओगड़नाथ मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर सावन के महीने में कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं और साल में अन्य तीज त्योहारों पर भी यहाँ पर भंडारा और आयोजन होते रहते हैं और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरठ के गर्व का प्रतीक है, अगर मेरठ की किसी चीज़ से पहचान है तो उसमें श्री ओगड़नाथ मंदिर भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। और ये मेरठ के लिए एक अनमोल है, एक अनमोल रत्न की तरह है। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, इसके जस्ट लेफ्ट में माता रानी का भी एक मंदिर बना दिया गया है, जहाँ पर कीर्तन और सत्संग आदि का आयोजन भी होता रहता है समय समय पर, जो बाहर से लोग अतिथिगण आते हैं अपने जो सुनाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे प्राचीन जगत के माध्यम से।